केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से गैर जरूरी सामान की दुकानें खोलने की छूट देने के आदेश जारी करने के बाद राज्य सरकार ने भी इसके लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। इस आदेश में स्टेशनरी, मोबाइल रिचार्ज या उत्पाद बेचने की दुकानें खुल सकेंगी, साथ ही सेवाओं से संबंधित दुकानें, सैलून, रेस्टोरेंट आदि बंद रहेंगे। सरकार की ओर से यह छूट कुछ शर्तों के साथ दुकानदारों को दी गई है। इसके अनुसार सोशल डिस्टेंस, मास्क लगाना सहित लॉकडाउन के सभी नियमों का पालन करना अनिवार्य है। साथ ही यहां पर 50% कर्मचारी ही काम कर सकेंगे। इसके बाद खुली दुकानों के हालात का जायजा लिया हमारे संवाददाता दिनेश कसाना ने। पिछले एक महीने से जारी लॉकडाउन के बीच अब कुछ राहत देना शुरू कर दिया है केंद्र सरकार की ओर से। लॉकडाउन 2 के तहत जो राहत दी गई है उसमें गैर जरूरी जो सामान है उनको अब दुकानें खुल सकेंगी। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो लॉकडाउन 2 जब लागू हुआ था उसके बाद जो जरूरी सामान है उनकी दुकानें खोली गई थी, लेकिन अब जिस तरह के संशोधित आदेश केंद्र सरकार गृह मंत्रालय की ओर से जारी किए गए और अब राज्य सरकार की ओर से जो संशोधित आदेश जारी किए गए हैं उसके बाद स्टेशनरी की दुकानें भी खुल गई हैं। अभी हम जयपुर में मौजूद हैं, हमारे साथ हैं जो दुकानदार हैं स्टेशनरी की दुकान। सर, आज से स्टेशनरी की दुकानें भी खुलने के आदेश लगे? अभी अभी हमें पता लगा है कि अभी स्टेशनरी की दुकानें खुलेंगी, इसलिए हमने अभी कस्टमर का फ़ोन आया था, उनके लिए बहुत अर्जेंट सामान था इसलिए दुकान खोली है और आज फर्स्ट टाइम ही खोली है लॉकडाउन के बाद। अभी कितने राहत कस्टमर भी आपके पास आ रहे हैं तो लोगों में भी एक थोड़ी रिलैक्सेशन इससे मिलेगी? हाँ बिल्कुल मिलेगी, और कस्टमर बहुत परेशान है, बच्चों की पढ़ाई सब खराब हो रही है, उनके पास आइटम नहीं है स्टेशनरी का, और रोज़ फ़ोन आ रहे हैं कि हमें पेन चाहिए, पेंसिल चाहिए, स्टेशनरी चाहिए। तो हमारा यही सरकार से आग्रह है कि स्टेशनरी की दुकानें जो है करीब कम से कम 6 घंटे तो डेली के लिए खोलनी चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश के बाद अब राजस्थान गृह मंत्रालय ने भी संशोधित आदेश जारी कर दिया है, जिसके तहत जो जरूरी सामान है उनकी दुकानें भी मार्केट में खुलना शुरू हो गई हैं। आप देख सकते हैं जो जरूरी सामान की दुकानें पहले खुल रही थी उसके बाद अब जो गैर जरूरी सामान है उनकी भी दुकानें शुरू हो गई हैं। स्टेशनरी की दुकानें हों या फिर जो इलेक्ट्रिक आइटम की दुकानें हैं वो खुलना शुरू हो गई है। ये संशोधित आदेश जो राज्य सरकार की ओर से निकाले गए हैं उसके तहत जो हॉटस्पॉट एरियाज हैं वहाँ पर ये दुकानें नहीं खुलेंगी। साथ ही गुटखा, शराब और तंबाकू पर भी प्रतिबंध रहेगा। अगर एक शब्द में कहा जाए तो उत्पाद विक्रेता हैं उनकी दुकानें खुली रहेंगी, जो सर्विस जो दुकानें हैं वो पूरी तरह से बंद रहेंगी। साथ ही हॉटस्पॉट एरियाज में पूरी तरह से शॉपिंग मॉल्स हो ये सभी प्रतिबंधित रहेंगे। जो ग्रामीण इलाकों या जो रेजिडेंशियल एरिया शहर में है वहाँ पर अब गैर जरूरी सामान की दुकानें भी खुल सकेंगी। वीडियो जर्नलिस्ट रामकिशन सैनी के साथ दिनेश कसाना, A1 TV, जयपुर।